भगवानकै इधर आकर के मनोनाम हम मद भक्त सब समय भगवान कहते थे हमारा विषय चिंतन करो मनमना मद भक्त हमारा भक्त बन जाओ। भगवान कहते हमारा भक्त हो जाओ और दूसरे का नहीं। ये समझना चाहिए। अगर कोई बोलता है जो हम और चीज का भक्त है इसमें काम नहीं चलेगा, नहीं। भगवान कहते मनमना भव मद भक्त हमारा भक्त। ऐसे तो सब कोई किसी ना किसी का चीज का भक्त होता है। कोई अपना घर गृहस्थ का भक्त होता है, कोई देश का भक्त होता है, कोई समाज का भक्त होता है, कोई शराब का भक्त होता है। ऐसे भक्त तो होता ही, किसी न किसी का चीज का भक्त होगा। होने बिना भक्त हुए जी नहीं सकता, क्योंकि उनका असल काम है भक्त होना। बाकी भगवान को भूल करके और सब जितने चीज है, आखिरी में कुत्ता का भी भक्त हो जाता है। भक्त उनको होना ही, बाकी भगवान का भक्त होने को नहीं चाहते, और सब चीज का भक्त होने का। ये उनका रोग है, यही बीमार। इसलिए भगवान कहते हैं और जो सब भक्त होते हैं ये सब माया, देवी झेसा गुणमयी मोह माया दुरस्त। तो माया उनको सुला देता है। अच्छी भगवान के क्यों भक्त हो गए, हमारा भक्त हो जाओ, और सब देवता का भक्त हो जाओ। कांखंतं कर्मणां सिद्धि जजंती यह देवता। और हम लोग सब फंस जाते हैं कर्मणां सिद्धि और दूसरे दूसरे देवता का पास जाने से बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है। वो क्या चीज का सिद्धि होती है, भौतिक वस्तु। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि अगर तुम ये चीज चाहते हो तो इस देवता को भजन तुमको मिल जाए, ऐसे शास्त्र में विधि है, मिल भी जाता है। तो कांखं तं कर्मणां सिद्धि जजन्ति यह देवता। ये जो सब देवता है ये भौतिक जगत का देवता है। भगवान जो है वो भौतिक जगत का नहीं। जैसे शंकराचार्य बताया नारायण पर अभक्त्यात् अभक्त्यात् अन्न संभव। नारायण जो है अभक्त जो महत्त्व है उनसे परे है। तो ये सब जानते मोहित अंग ना भी जाना, उसी मोहित होके रहने चाहते, आगे बढ़ने को नहीं चाहते। अभी भगवान का काम है, भगवान बताते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति। जब आदमी धर्म को छोड़ देता है, धर्म का अर्थ होता है भगवत भक्त। भगवान आखिरी में यही बताए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, कोई धर्म। ये जो भगवान बताते मामेव च प्रपद्यं, यही असल धर्म। और सब तात्कालिक भौतिक धर्म। अब जैसे समझ लीजिए, अब ये शरीर है, जब तक ये शरीर है हम लोग कहते हैं हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम क्रिश्चियन है, मैं ये धर्म को पालता हूं। जहां शरीर छोड़ दिया हमने तो भी हम समझ जाओ कुछ हो गया। ऐसी कुछ गारंटी नहीं है। जब हमको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, अपना कर्म का अनुसार हमको शरीर मिलेगा, तो आज मैं हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कल अगर कर्म का अनुसार हमको और कहीं जन्म मिल गया, पशु का जन्म हो गया, तो फिर हमारा तो सब धर्म हो गया खत्म, शरीर का साथ साथ सब खत्म हो जाए। इसलिए असल जो धर्म है भगवान का चरण में प्रपत्ति, जो ऐसा भगवान बताते हैं मामेव जब प्रपत्ति, उनको
बस वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इस जन्म में भक्ति का विषय में जितना साधन किया, अगर पूरा साधन कर लिया तो फिर तो हमको भगवान के पास चले जाना है। कक्तादि हम पुनर्जन्म नैति मामेसी, भगवान के पास चले जाते हैं। अगर पूरा साधन नहीं हुआ, कुछ बाकी रहेगा, तो सुचिनांग सुमतांगी ही जोग भ्रष्ट संजार, जो भक्ति योग से भ्रष्ट हो जाता है उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर भक्ति योग शुरू किया और आगे जाकर के संपूर्ण नहीं कर सका किसी कारण से, फिर माया का हाथ में गिर गया, ऐसा हो सकता है, क्योंकि माया बहुत जबरदस्त है। सब समय हमको पराजय कर देता है, तो हमको भी जबरदस्त होना चाहिए। वो जबरदस्त किस तरह से होंगे? मामेव प्रबद्धन्ति मायामी दान कर। यदि हम लोग भगवान को चरण अच्छी तरह से पकड़ के बैठ के रहेंगे, फिर माया कुछ नहीं कर सकती। यही उपाय, तो इस प्रकार सरल जब उपाय है मुक्त होने का, जो भगवान मामेव जब माया से उत्तीर्ण होने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग संन्यास लेते हैं, घर दो छोड़ देते हैं, बड़ा कठिन तपस्या करते हैं, कोई हिमालय में जाते हैं, कोई जंगल में जाते हैं, नहीं यानी क्या क्या कर सकते हैं। क्यों? माया से छुटकर ब्रह्मभूत ब्रह्म ज्ञान लाभ करने के लिए। और इधर भगवान बताते हैं मामी जब प्रबंधनते माया में दान करते, केवल हमारा चरण में कोई शरणागत हो जाए तो उसी वक्त वो माया से उत्तीर्ण होगी, उसी वक्त, देर नहीं लगता, एक सेकेंड। बहुत से आदमी हमको पूछता है जो ये भगवत भक्ति लाभ करने के लिए कितना दिन लगे, उन्हें एक सेकेंड भी नहीं लगता। क्यों? असल काम तो है प्रपत्ति। यदि कोई भगवान के सामने आकर के कह दे कि भगवान इतना दिन तो मैं माया का दास बना था, और माया का दास मैंने अपना इंद्रिय का दास, कामादिनां कतिधाना पालिता दुर्निदेश, इंद्रिय जो है हमारा अनेक विषय जो काम नहीं करना चाहिए, इंद्रिय बोलता अजी करो इसको, इसलिए मैं तो इतना दिन इंद्रिय का दास था, कामादिना काम क्रोध लोभ ये सब चीज का दास, बाकी वो दास होकर के हमको कुछ सुख नहीं मिला। ना तो जिसका दासत्व किया वो भी सुखी नहीं हुआ। देखिए दुनिया का यही है नियम, आप लोग विचार करके देखिए। देखिए गांधी जी कितना बड़ा, महात्मा गांधी जी कितना देश की सेवा की, देश की दासत्व की, बाकी आखिरी में वो देश का आदमी उनको मान। अब देखिए गांधी जी का ऐसे व्यक्ति उनसे बढ़कर के कौन सेवा कर सकता, तो हम लोग का बात तो छोड़ ही दी। इस दुनिया का जितना ही सेवा कीजिए वो कभी सुखी नहीं होंगे, कभी नहीं बोलेगा देखो जी तुम बहुत काम किया, बहुत सेवा किया, अब तो घर में बैठ जाओ और सेवा ना चाहिए। अपनी पत्नी को पूछिए बुढ़ापे में, ये देखो जी अब तो बहुत हमने तुम लोग को सुखी करने के लिए प्रयत्न किया, अब जो कुछ हो गया हम जाएंगे थोड़ा वृंदावन में, घर ही रहे सब बिगड़ जाएंगे। अरे वृंदावन आप कैसे गए? ये काम बाकी रहेगी, ये काम बाकी रहेगी, ये काम बाकी रहेगी, सब बाकी ही रहेगी। इसलिए प्रपत्त जो यदि कोई ये बात को समझ जाए तो हम तो काम क्रोध के लिए दुनिया के सब के सेवा की, परंतु कोई सुखी नहीं हुआ, ना तो वो लोग सुखी हुआ ना तो मैं सुखी। इसलिए भगवान आपके पास आए हैं, आज से आपका दास बन जाओ, मैं तो आपको दास है ही है, भूल गया था, बस
इतना ही काम अगर हो गया तो मुक्त हो, उसी बगैर मुक्त हो। अगर वो अपना दिल से सच्चाई से बोलता है कि भगवान आज से मैं आपका दास हूं, आपको दास मैं ही है चिरंतन, बाकी भूल करके दूसरे का दास हो गया, इसका नाम है मामी बज प्रबोधंती मायामी कांक्ष तेनी मोमेंट। किसी समय यदि हम लोग एक दफे भगवान का चरण में अपना सिर झुका करके इतना ही कह दें कि भगवान इतना दिन तो दूसरे को खूब दास बन के रहा, उसके न जिसका दास बना था वो भी सुखी हुआ और मैं जो दास हुआ था मैं भी नहीं सुखी। तो अब हमारा बुद्धि खुल गई है, जब हमको दासत्व ही करना है तो आपको दासत्व करें, आप हमको ग्रहण कीजिए, बस इतना बोलने से वो मुक्त हो। बहुत सरल है। अब प्रश्न होता है कि इतना सरल चीज जब है मुक्त होने के लिए इसको आदमी क्यों नहीं लेता। यदि इतना ही सरल है जो भगवान का चरण में एक दफे दिल से कह दिया भगवान आज से हम आपको नौकर होंगे, आप हमको जो खुशी हमसे करा ली, तो फिर इसमें क्या मुश्किल। भगवान का दास होने से उसको क्या सम्मान का कुछ कमी होती है? नहीं। देखिए हम लोग भगवान का दासत्व कर रहे हैं, सब दुनिया में घूम रहे हैं यही सिखा रहे हैं कि देखो जी आप भगवान का दास, और कोई इसमें मैजिक नहीं है। ऐसी बात नहीं है जो हम मैजिक दिखाता है, कोई सोना बना देता है, कोई और कुछ कर देता, नहीं, ये सब हम लोग का पास कुछ है। हम लोग खाली इतना ही कहते हैं देखो भगवान कृष्णस्तु भगवान साहब भगवान बताए हैं जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और मैं भी आपको यही अनुरोध कर रहा हूं कि आप भगवान का भक्त हो जाइए, भगवान की सेवा में लो, बस इतना ही हम लोग कहते हैं। ये जो भगवान का हम लोग दासत्व कर रहे हैं क्या हम लोग का सम्मान कुछ कम है क्या? कहीं भी जाते हैं सब आप लोग सम्मान करते हैं, तो भगवान का दास होने से दुनिया का सम्मान कुछ कम नहीं होता, दुनिया का सम्मान बढ़ जाता है। और इधर जैसा हम लोग समझते किसी का दास हो जाए तो वो तो मालिक हो गया और हम तो दास हो गया तो हमारा सम्मान तो कम हो जाए, नहीं, भगवान के दास हो जाइए आपको सम्मान खूब बढ़ जाएगा और बढ़े। दैवी जी साधु नमोई ममो माया दृष्ट, बाकी वो नहीं होगा, माया इतना तगड़ी है वो होने को नहीं, होने को नहीं। इसलिए कहते हैं जो भगवान का दास कौन नहीं होता, भगवान खुद ही बता, नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्दन नराधमा। देखिए बड़ा उत्तम पदवी, कौन भगवान का दास होने को नहीं चाहता, उसको सब पर्याय बताया, बोलता है एक तो दुष्कृति न, नमांग दुष्कृति न, दुष्कृति का अर्थ होता है सब समय केवल पाप काम करता, उसका नाम है दुष्कृति। कृति, कृति का अर्थ होता है बड़ा मगज वाला, बड़ा बुद्धिमान, बाकी सब बुद्धि किस तरह से पाप करना है उसी में लगा। तो ये जो व्यक्ति है नमांग दुष्कृत न प्रबद्धन्ते, भगवान तो बोल दे जो हमारा चरण में प्रपत्ति करो उसी भगत मुक्त हो जाए, माया तुमको छोड़ दे, बाकी ये नहीं करे। क्यों? उसका कारण है जो सब समय पाप काम था दुष्कृत न, और कौन नहीं करता, मूढ़ा। इसका बड़े बड़े आचार्य लोग ये श्लोक का व्याख्यान बहुत लंबा चौड़ा किया है, उतना व्याख्यान आप लोग का सुनने का समय भी है नहीं और हमारा भी समय नहीं है, बाकी जहां तक है सरलता से आप लोग समझ लीजिए।
तो दुष्कृतिन का अर्थ होता है जो सब समय पाप काम में लिप्त है और एक मूढ़ा हो। मूढ़ा का अर्थ होता है गधा। गधा क्यों क्या कहा जाता है? गधा की बुद्धि कम होती है, वो दिन भर परिश्रम करता है, धोबी का कपड़ा अपना पीठ में लाद देता है, चल भी नहीं सकता, इतना कपड़ा लेता। बाकी उनको मिलता क्या ना, एक मुट्ठी घास। तो गधा की इतनी बुद्धि आई नहीं जब घास तो कहीं भी जाए मिल जाए। ये गधा का, ये धोबी के लिए मैं कह कितना इतना परिश्रम क्यों करता, ये बुद्धि उनकी आए। वो समझता बोधी धोबी हमको खाने को देता है, एक मुट्ठी घास ये हमको धोबी देता। अतः जितना दो टन कपड़ा हमारा ऊपर जो लाद देता है ये हमको बहन करना चाहिए, इसका नाम है गधा। तो साधारण कर्मी लोग है, रात दिन परिश्रम करते, सब पैसा खूब कमाता है बाकी दूसरे के लिए, वही जैसा धोबी वो खाता है दो रोज बस। ऐसी बात नहीं है कि 2 लाख रुपया आज हमने कमाया है तो हम आज सोना का रोटी बना के खाए। अरे सोना का रोटी नहीं खाया जाए, तो रोटी खाए, गेहूं का रोटी खाने का। तो ये बुद्धि होनी चाहिए, जो हमको जब भगवान की कृपा से 2 रोटी मिल जाते हैं तो इतना क्यों हम परिश्रम कर। थोड़ा बहुत गृहस्थी के लिए हमको जो कुछ मिल जाता है उसी में संतोष करके बाकी समय भगवान की चर्चा क्यों नहीं, ये बुद्धि नहीं उनको खुले। उनको समय है, ये देखिए सवेरे इधर होता है, बाकी आदमी का समय होता नहीं खाने के लिए। तो सब समय होता है, बाकी भगवान की कथा सुनने के लिए समय है। इसको शास्त्र में कहा है मूढ़ा। जो असल चीज है मनुष्य जीवन का, जो काम है, जो अपने को समझना, भगवान को समझना, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, ये सब चीज समझना, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये मनुष्य जीवन का काम है। भाई जिसको सब छोड़ दिया है, केवल गधा के ऐसे परिश्रम करते हैं और उसका फल क्या मिलता है, बैठ दो मूढ़ा। नमान प्रवर्धनते दुष्कृत नाम मूढ़ा। और कौन है? नमांग दुष्कृत नाम मूढ़ा प्रवर्धनते नराधमा। और नराधम, नराधम का अर्थ होता है नर, का अर्थ होता है मनुष्य, वो सबसे नीच जो है। क्यों? नहीं, मनुष्य जीवन है भगवत भजन करने के लिए, बाकी उसको हम छोड़ दिया और सब काम में बस, और सब काम में खूब हमारा उत्साह है, और भगवत भक्ति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए हमारा टाइम, इसीलिए नराधम। जो मनुष्य शरीर उसको मिला उसको और भी कहा जाता है कृपण। एतद् विदित्याज प्रयाति सा ब्राह्मण, एतद् अविदित्याज प्रयाति सा कृपण। जो मनुष्य शरीर जो हमको मिला इसको उपयोग, उपयुक्त भाव से इसको व्यवहार करके इसमें जो फल लाभ होता है, अर्थ लाभ होता है, भगवान को प्राप्त हो सकता है, उसको होना चाहिए, बाकी वो नहीं करते, इसलिए कहते हैं नराधम। और एक क्लास है उसको बताया गया है माया अपनी तो ज्ञान। कोई कह सकते हैं देखिए आप सब ये कहते हैं, हम तो बड़े बड़े सब विद्वान को देखते हैं कि वो भगवान को नहीं मानता, अपने को ही भगवान मानता है, तो ये क्या बात है, वो तो बड़े विद्वान। तो भगवान उसको बताते हैं जो विद्वान तो है, बाकी उसको ज्ञान, जो असल जो ज्ञान विद्या लाभ करके जो ज्ञान होता है वो माया छीन लिया। माया अपरित, जैसे आपके पास कोई वैल्यूबल, कोई कीमती चीज है, हीरा, आप समझे हुए बैठे हैं कि हमारा घर में हीरा है,
और उसको ताला लगा के हम आए हैं, निश्चित है हम, निश्चिंत है। बाकी घर में अगर जाते देखते हैं कि हीरा कोई चोरी करके ले गया। हाँ, इसी प्रकार ये तथाकथित जो विद्वान सब होते हैं, बाकी भगवान को नहीं समझता है, उसको विद्वान नहीं कहा जाता। हाँ, विद्या का अर्थ होता है आखिर में जाकर के जो भगवान को समझाए वो विद्वान है। बहुनाम ज्ञानवान अंते, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रबद्ध थे। ये जो प्रपत्ति ये कौन कर सकता है, अनेक जन्म का तपस्या करके जब पूर्ण ज्ञान उसको लाभ होता तभी भगवान ने प्रपत्ति कर सकता है। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। तो ये जो तथाकथित ज्ञान है, एमए पीएचडी सब होते हैं बाकी भगवान को नहीं समझ, भगवान को उड़ा देने के लिए बड़े बड़े सब विद्वान भगवत गीता का ऊपर टिप्पणी लिखते हैं। उसका विचार है जो कृष्ण को उड़ा, बस हम कृष्ण है, हम भगवान। इसलिए कहते हैं अपहृत ज्ञान माया, उसका जो ज्ञान है वो छीन लिया। ये सब व्यक्ति तो ये सब क्यों होता है, जो महापाप करते हैं और बूढ़ा होते हैं, नराधम होते हैं, और माया के द्वारा ज्ञान जो है उसको छीन लिया जाता है, ये सब क्यों होता है? तो भगवान उसको भी जवाब देते हैं, आसुरी भाव मासिता, क्योंकि वो आसुरी भाव को ग्रहण किया। आसुरी भाव क्या है, जो एथीज भगवान को नहीं मान, भगवान क्या, सब हम लोग भगवान है। ये रास्ता रास्ते में सब भगवान घूम रहा है, कहां मंदिर में जाते हो भगवान को ढूंढने, ये सब बोलते हैं बड़े बड़े स्वामी सब बोलते हैं। आसुरी ये इसका नाम है आसुरी भाव, दो भाव है, आसुरी भाव और देव भाव। आसुरी दैव एवत, तो जो भगवान का भक्त होते हैं वो देवता देव भाव, और जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान को नहीं मानते वो आसुरी। तो दो प्रकार का आदमी होता है दुनिया में, देव आसुर एवत, विष्णु भक्त भवे देव आसुरी तद विपर्य। जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं उसको असुर कहा जाए। तो ये असुर भाव होने से वो पाप काम भी करते हैं, दिन भर वृथा परिश्रम करते हैं, मनुष्य जीवन का क्या काम है वो नहीं जानते हैं, और तथाकथित ज्ञान उनको मिला है एबीसीडी, वो सब उसका फल जो है वो माया छीन लेती है। बस उसको यूनिवर्सिटी में एमएबीए पास करने से कुछ फल नहीं है, क्योंकि असल जो उनकी बुद्धि वो माया छीन ले। आश्री भाव मान, तो फिर क्या उपाय, कोई भगवान ऐसी व्यक्ति तो हम लोग देख रहे हैं दुनिया में भरी हुई है, फिर भगवत भजन करेगा कौन, नहीं उसका भी जवाब भगवान देता है। क्या बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृत नार्जुन, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतन स्वभाव। कहते हैं चार प्रकार के जो व्यक्ति है जो पाप नहीं करते, पुण्य करते, सुकृत जो वो दुष्कृति हुआ, सुकृत अच्छा काम करते, इसलिए शास्त्र में सबको उपदेश देता है जो अच्छा काम करो, पुण्य काम करो, यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, गंगा स्नान करो, तीर्थ यात्रा जाओ, झूठ ना बोलो, अनशन इधर उधर खाओ नहीं, सात्विक भोजन करो, ये सब साथ इसका मान है सुखी। जो बुरा काम नहीं कर, जैसे जैसे शास्त्र में बताते हैं उसी प्रकार से चलते फिरते हैं, उसका नाम है सुकृत। इसलिए धर्मशास्त्र मानना चाहिए, आगे जाकर के भगवान का विषय हमारा समझ में आएगा। और यदि हम लोग शास्त्र का विधि जो है उसको नहीं मानते हैं,
मन माफी करेंगे, जो खुशी खाएंगे, जो खुशी करेंगे, फिर आगे जाके भगवान का संपर्क नहीं बनेगा। और भगवान का संपर्क नहीं बनने से वो 84 लाख जोनी में भ्रमण करने पड़ेगा। कभी जल का जानवर, कभी चूटी, कभी हाथी, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी राक्षस, ये सब, कभी ब्रह्मा और कभी मल का कीट, ये सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें फंस जाने पर। इसलिए शास्त्र ने बताया है, पुण्य कार्य करो, अच्छा काम करो। अच्छा काम करने से चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि होने से फिर भगवान को भी समझ में आएगा, जीवन सफल होगा। सुकृत तो कलिजुग में मनुष्य इतना पतित है कि ये शास्त्र का विधि अनुसार जो अच्छी काम है वो नहीं कर सकते। मंद्यास मंद मत, उनकी बुद्धि सब मंद हो गया और मत भी मंद हो गया। मंद्यास मंद मत मंद भाग्या, और भाग्य भी खराब है। कोई अगर चाहता भी है कि हम भगवान का भजन करेंगे तो कहीं फंस जाता है, कोई राक्षस बोल देता है जो हम भगवान है, उसमें फंस जाता, मंद भाग्या। तो ये कलयुग का यही सब असुविधा है। इसलिए कलयुग में शास्त्र विधान दिया है जो इधर का मनुष्य अत्यंत पतित है, ये सब साधन भजन कुर नहीं कर सके हैं, इसको एक ही चीज दिया गया। क्या चीज? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नासी 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 गतिरन्न था। कलयुग में वो जो जगत दान तप क्रिया ये सब हो नहीं सकेगा, वो सब आदमी सब बिगड़े। इसलिए तीन दबे का कलो नासीव 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 गतिरन्न था। और जो गतिविधि सब है शास्त्र में, यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, ये सब हो नहीं सकेगा, आदमी इतना पतित हो गए। फिर क्या किया जाए? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल सब समान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, इसको जब देखिए इसका फल हो रहा। ये जो पाश्चात्य देशीय सब लड़के हमारे साथ है, देखिए एक हरि नाम करने के लिए और जैसे जैसा हम बताते हैं उसको ठीक पालन करते हैं, देखिए कैसा ये लोग आगे बढ़ रहे। ये कलयुग का एकमात्र औषधि भव औषधि हरे नाम हरे नाम। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम।